वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग ना शिव शक्ति को लेके जा रहे थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि वो लोग ना काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आप लोग जो है ना हमें कहीं लेके नहीं जाते हो, कहीं लेके नहीं जाते हो। तो इसलिए जो है इनके पापा ने बोला कि चलो यार इनको थोड़ा सा ना कहीं घुमा के ले आते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। तो चलिए आगे फिर चलते हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये ना हमें जो है रामलीला ग्राउंड लेकर गए थे दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल के पास। देखें यहाँ पे कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। और फर्स्ट टाइम ना शिव संकेत को हम इस तरीके की जगह पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े झूले हैं वो हैं। हम इससे पहले ना हम कभी ऐसे बच्चों को लेके नहीं आते थे क्योंकि छोटे भी थे, डर भी लगता है बच्चों के साथ। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ ना एक साथ चार चार रामलीला हो रही थी। हमारे यहाँ भी होती है रामलीला वैसे तो, वैसे ये लोग ज़्यादातर वहीं जाते हैं जो हमारे घर के पास होती है, लेकिन इस बार हम जो है यहाँ लेके आए हैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे रावण वगैरह लगा हुआ है। और इतनी सारी यहाँ पे राइड्स थी ना बच्चों के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बच्चे क्या बड़े के, ये जो बड़े वाले हैं ना बड़ों के लिए थे। सो जो है हम लोग बस शुभ संकेत को तो एक ही चीज़ हो रही थी कि हमें ना मिक्की माउस वाले पे लेके चलो। हेलो फाइनली शुभ संकेत पहुंच ही गए थे अपने मिकी माउस वाली राइड पर। इनको यही पसंद आता है और ये यहीं पर ही आना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं तो अभी थोड़ा ऊपर से मैंने ना यहाँ पे व्यू बनाया है। हम लोग क्योंकि एक राइड पर आए थे तो वहाँ पे ऊपर हम खड़े थे, तो यहाँ पे रावण वगैरह खड़ा था। और यहाँ इस तरफ को ना यहाँ पे रामलीला हो रही थी और मतलब इतनी भीड़ थी ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखे ये ना सबसे जो है मुझे आसान लगा, तो मैंने बोला हाँ हम ना यही वाली राइड करेंगे क्योंकि मैं इसको ईजिली कर लूँगी, और तो कोई मेरे बस की था नहीं करना। और सही बताऊँ तो हमारे बच्चे इतने छोटे हैं तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि हमें बच्चों के साथ किसी बड़े झूले में बैठना चाहिए था। प्रिकॉशन हमें खुद ही लेने चाहिए जब अगर हम बच्चों के साथ होते हैं तो। सो यहाँ पे ना शुभ संकेत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, जल्दी से हम लोग बैठें। और मतलब इस वाले में तो ये लोग बैठ जाते हैं। और साथ में हमारा भी कीड़ा परेशान हो रहा है। पापा, पापा, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, बच्चों को लेके आ गए थे। और मतलब इन लोगों ने इतना एंजॉय किया ना, सीरियसली गाइस, मतलब इतने बड़े बड़े झूले और देख के मतलब डर भी लग रहा था। मतलब ये सोची थी लोग वहाँ पे झूला कैसे झूल लेते हैं। हम तो बस एक वो ड्रैगन वाले में गए थे जो वो मतलब वही ट्रेन टाइप का था वो, तो उसमें मुझे उसमें भी डर लग रहा था। मैं यही सोच रही, मैंने कहा यार ये इतने बड़े बड़े झूले में कैसे झूल लेते हैं सारे के सारे। और शिव संकेत अपना मिक्की माउस वाला जो झूला था ये उसी पे गए थे जो मिक्की माउस वाला ये लोग करते हैं। ये लोग हमें कह रहे थे ट्रैम्पोलिन करा दो, मैंने कहा ट्रैम्पोलिन तो जो है तुम लोग वैसा जो एक नॉर्मल वाला जो होता है, मैंने कहा उसमें तो तुम लोग करते ही हो क्योंकि वो हमारे यहाँ पे लगता ही है। और अभी मतलब हमारे इधर भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे बच्चों के लिए झूले वूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। तो वहाँ तो ये लोग पहले ही होके भी आ गए, वहाँ से अपने लिए सामान भी खरीद के ले आए हैं।
और अब कह रहे हैं कि अभी हमें फिर जाना है, अभी जो है 9 बजने वाले हैं रात के, अभी कह रहे हैं फिर जाना है और डिमांड हो गई है कि हमें ये खाना है वो खाना है। तो अब देखो मैं इनके लिए कुछ बनाती हूँ। कहीं लेके नहीं जाएंगे, चुपचाप सो जाओ। आ गए, दिखाओ अभी गाइस को कैसे बैठे हो। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।